जयपुर से आपको खबर बता दें, पीएचक्यू में कोरोना फैलने से जुड़ा मामला। डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी किए, पीएचक्यू में आने वाले अधिकारी अनुमति लेकर ही प्रवेश करेंगे। रिसेप्शन पर स्थित बॉक्स में परिवेदना डाली जाए, पीएचक्यू की हर मंजिल पर नजर रखी जाएगी, हर फ्लोर पर विजिटर्स के पास चेक किया जाए, साथ ही हर शाखा प्रभारी सैनिटाइज की व्यवस्था को नियमित लागू करें। लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब पीएचक्यू की नजर भी हर मंजिल पर रहेगी और हर फ्लोर पर विजिटर्स के पास भी चेक किए जाएंगे, ये फैसला लिया गया है। और लगातार हर शाखा प्रभारी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को नियमित लागू करें, ये भी कहा गया है। पीएचक्यू में भी लगातार जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण एकदम से फैला था और उसके बाद अब डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जो प्रशासन जनता को रोकने में लगा हुआ था, जनता कह सकते हैं जनता को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन वो प्रशासन भी कोरोना की जद में आ गया और अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर मंजिल पर नजर रखी जाएगी, तमाम तरह की जो गाइडलाइंस होगी उनको पूरा सख्ती से उनकी पालना करनी पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में और इन आंकड़ों की बढ़ोतरी का जो आलम है वो इस कदर है कि अब कहीं ना कहीं भय भी खत्म हो गया है और आंकड़ों की बढ़ोतरी भी सामने है। फिलहाल क्या कुछ दिशा निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो पुलिस मुख्यालय के अंदर पड़ी है और चौथे और पांचवा जो माला है वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादातर तीसरी मंजिला से होता है, जहां पर जो अधिकारी होती है पब्लिक डीलिंग हुआ करती है उसको लेकर के जो परिवादी है वो अधिकारियों से मिलते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर अब पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी अधिकारी, चूंकि लगातार दो दिनों से पूरे पुलिस मुख्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा था और ये दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है सौरभ श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि कोई भी अधिकारी जब तक कोरोना की जांच नहीं करा लेता और उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो पुलिस मुख्यालय में नहीं आएगा, ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद फिर से एक बार अलर्ट मोड पे आया और उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस मुख्यालय के अंदर आता है तो उसका सबसे पहले पास चेक किया जाएगा, पास चेक करने के बाद अगर वो कोई भी व्यक्ति किसी भी माले पर घूमता हुआ नजर आता है तो उसका उस पास को से वेरीफाई किया जाएगा कि वो उक्त व्यक्ति है, उसके पास नहीं है, बिना काम के तो कहीं वो इस पुलिस मुख्यालय के अंदर नहीं घूम रही। कारण सिर्फ इसीलिए है, एहतियात के तौर पर कोरोना की जो संख्या है वो ना बढ़े, कोरोना का संक्रमण है वो पुलिस मुख्यालय में ना फैले, इसीलिए ये जो दिशा निर्देश है वो पुलिस मुख्यालय की ओर से डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव उन्होंने जारी किए गए और इसी को लेकर के एहतियात बरती जा रही है। हर आने जाने वाले जो अधिकारी है उनको भी यहाँ पर जांचा परखा जाएगा, साथ में संबंधित अधिकारी से यहाँ पर परमिशन लेनी होगी, अगर लगता है कि उन्हें कोई व्यक्ति है जिसको ज्यादा जरूरत है उसी को केवल पुलिस मुख्यालय में एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं जो कोरोना का जो संक्रमण जो पुलिस मुख्यालय के अंदर फैला है उसको देखते हुए लिखाया गया, क्योंकि पूरा राजस्थान जो संचालित होता है वो यहाँ से ऑपरेट होता है और ऐसे में जब अधिकारी खुद कोरोना पॉजिटिव जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कामकाज होता है राजकाज का जो कामकाज होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ऐसे में ठोस कदम उठाए गए हैं और इसी के लिए पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइज किया गया है, साथ में हर आने जाने वाले व्यक्ति है उसका रिसेप्शन से ही उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसको जो मशीन होती है जिसके जरिए जो तापमान जिसमें नापा जाता है जिसमें बुखार का पता लगाया जाता है कि इसको कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सारी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद उसको संबंधित जो अधिकारी है जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके परमिशन लेकर के ही उसको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाए गए हैं वो विगत दिनों जो 20 कोरोना पॉजिटिव आए थे जो मैं पुलिस मुख्यालय में का जो कर्मचारी और जो पुलिस कर्मी साथ में जो एडीजी है भूपेंद्र तक उसको ध्यान में रखते हुए सारे कदम हैं ये उठाए गए हैं। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल। देखिए यादवेंद्र, प्रशासन की जिम्मेदारियों की जो फहरिस्त होती है वो काफी लंबी होती है और ऐसे में वहां ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे बिल्कुल ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो दिन से जो शनिवार और रविवार को जो काम किया गया था और वो इसीलिए कदम उठाया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए देखा होगा कि हमने कल तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक का हो चाहे वो कांस्टेबल रैंक का हो या फिर कोई एडीजी रैंक का हो, तमाम अधिकारी सभी लोग कोरोना की जांच कराने के सभी को निर्देश दिए गए हैं और उसी के चलते यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के तमाम कर्मचारियों ने और साथ में
तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर कोरोना की जांच कराई है। हालांकि रिपोर्ट आज आएगी और उसके बाद अगर जिसकी रिपोर्ट आ जाती है और लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव, उसकी जो नेगेटिव आई है उसकी रिपोर्ट, तो मानिए कि उसी को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज किसी भी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो उच्च लेवल का अधिकारी हो या फिर नीचे कॉन्स्टेबल स्तर के जो कोई भी कर्मचारी हो, इन किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं जाएगी। एक चीज और, यहाँ पर डीजीपी ने सख्त कहा है कि जो एहतियात जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर पालन करना होगा। अगर कोई पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया तो उसको सीधे उसको घर से ही यहाँ पर काम करने के आदेश जारी किए हैं। वो अधिकारी घर पे ही रहेगा, खुद को क्वारंटाइन करेगा और क्वारंटाइन करने के बाद वो घर से ही यहाँ पर पूरा कामकाज को संभालेगा, चाहे राजकार्य के कामकाज हो चाहे प्रशासनिक स्तर के कामकाज हो, तमाम उन कामकाज को यहाँ पर वो घर से ही काम उसको संभालते हुए नजर आएंगे बिल्कुल यहाँ पर। और उसकी प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है, मतलब कल शाम से ही यहाँ पर जो अधिकारी थे, क्योंकि कल सोमवार का दिन था और कुछ अधिकारी जो आए नहीं थे क्योंकि उनकी रिपोर्टें नहीं आई थी, तो वो घर से ही काम कर रहे थे। और आज इसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है, अगर रिपोर्ट आएगी और अगर मानिए कि अगर पॉजिटिव आती है तो वो खुद को क्वारंटाइन करेंगे और उसकी अपने जांच वांच कराएंगे और साथ में इलाज भी लेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ये मानिए कि पहली रिपोर्ट के आधार पर ही ये नहीं होगा, कम से कम दो रिपोर्टों का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। जब तो दो रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की जिम्मेदारियों की फहरिस्त क्योंकि बहुत लंबी होती है, वहां ख्याल रखना काफी जरूरी होता है।